ये सर देखिए, ये सिस्टम लगा हुआ है जो हमारा 15 KVA का सिस्टम लगा हुआ है। अब इस पर हम अभी लमसम में 1 मंथ हो गया इसको लगा करके, बट अभी इस पर कोई सफाई नहीं हुई है। इसको एक वीक में या दूसरे वीक में इसकी पूरी तरीके से सफाई होनी चाहिए, तभी इस ये करंट पूरा जनरेशन करता है। फिर भी अभी जिस हालत में है, इस हालत में अच्छा जनरेशन करंट कर रहा है, तो सिस्टम उधर चल रहे हैं। दोस्तों, मैं गांव में हूं और आज आपको सोलर आटा चक्की दिखाने वाला हूं और इसका सिस्टम किस तरह से लगता है। यहां पे देखेंगे, यहां पे जो है बाहर प्लेटें लगी हैं और ये UTL कंपनी का है। UTL कंपनी का जो सोलर सिस्टम होता है काफ़ी जो है बेस्ट माना जाता है। और किस तरह से इसे आप लगवा सकते हैं, आप संपर्क कैसे कर सकते हैं, फाइनेंस कैसे होता है, उसमें डाउन पेमेंट कितना आप जमा कर सकते हैं, टोटल बातें होंगी। साथ में बात करेंगे इस पे जो है कितना लोड दे सकते हैं, मोटर का प्राइस किस तरह से आपको जो है मोटर लेना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारे साथ में है निरंजन तिवारी जी, जो कि UTL डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के ऑनर हैं और उन्हीं से बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे UTL सोलर आटा चक्की लगा है, बाहर भी हम जहाँ पे प्लेटें लगी हैं वहाँ पर हैं और यहाँ पे देखेंगे प्लेटों में थोड़ी सी जो है डस्ट है, तो इसकी साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहती है। सर, इसके बारे में बताएं, जो इस पर अभी बहुत ज़्यादा धूल जमा है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? सर, इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया है, इस जगह पे देखे पैनल हमने साफ करके भी दिखाया है जी। ये इस पे लमसम एक लेयर पूरा बना हुआ है, चढ़ा हुआ है, तो इस पे करंट जो है लमसम ये 40% लेस करके बना रहा है इस वक्त। अभी ऊपर भी देखें तो बहुत ज्यादा जो है लमसम बहुत अधिक ज्यादा दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं खुद। फिर भी इस हालत में होते हुए इसमें क्या है, ये पैनल की क्वालिटी जो हमारी है सबसे बेटर क्वालिटी का पैनल है, इसलिए ये सिस्टम अभी भी चला रहा है, इस वक्त में ये सिस्टम चला रहा है। नहीं तो इतने में तो अगर पैनल की क्वालिटी बेटर नहीं होती तो ये सिस्टम चलना ही नहीं चाहिए था। अच्छा सर, इस मान लीजिए इस पे जब धूल जम जाता है, डस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो टिल्लू की जरूरत पड़ती है पानी जो है इस पे डालने के लिए, तो इस सिस्टम से टिल्लू भी चला सकते हैं क्या? नहीं सर, इस सिस्टम से टिल्लू नहीं चला पाएंगे जी, क्योंकि ये इसका जो कनेक्शन होता है 3 फेज का कनेक्शन होता है जी, तो 1 HP या 2.5 HP का 3 फेज का मोटर टिल्लू नहीं आता है जी, तो इस पे नहीं चल पाएगा। अदर कनेक्शन से वो टिल्लू चला करके और इससे इसकी पूरी सफाई किया जा सकता है। वैसे तो दूसरे या तीसरे दिन इस पे अगर पानी मारा करें तो ये डस्ट जमेगा ही नहीं। तो दोस्तों, बाल्टी का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप ग्लास से या फिर किसी बर्तन से जो है इस पे पानी मार सकते हैं, वहां तक पानी आप पहुंचा सकते हैं बहुत आसानी से। तो साफ सफाई रहती है तो आपको जो है पावर सप्लाई जो है आपका मेंटेन रहता है, जिस तरह से जितने वाट का आपका ये सिस्टम होता है उतना जो है आपको पावर मिलता रहता है और आपकी आटा चक्की जो है वो अच्छे से जो है चल पाती है। सर, सबसे पहले इसी प्लेट की बात करेंगे क्योंकि अभी बाहर हैं, यहीं से शुरू कर रहे हैं। और आप सर इधर आ जाएं क्योंकि इधर बहुत ज्यादा धूप है और धूप बहुत अधिक हो रही है, ठीक से आ नहीं रहा है। तो सर, प्लेट के बारे में ही बात कर लेते हैं, कितने वाट का एक प्लेट है और कौन सा ये प्लेट है? सर, ये मोनो हाफ कट फेसियल पैनल है जी। ये एक पैनल जो है 540 वाट का पैनल है जी। इसका BOC जो होती है 50 की होती है जी। और सोलर पैनल यानी जब हम 16 किलोवाट या 15 किलोवाट लगाते हैं आटा चक्की के लिए, तो खासकर हम इसी पैनल को यूज करते हैं, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी में आता है। और इसमें 28 पैनल लगे हुए हैं जी। और इसके बारे में बात कर लेते हैं सर, जब कंपनी इसको लगाती है तो उसका जो पेमेंट होता है उसी में ऐड रहता है या अलग से जो है जो लगवाते हैं उनको देना पड़ता है? नहीं, इसमें कस्टमर को कोई पेमेंट नहीं देना होता है, जो कंपनी लगाती है कंपनी टोटल कॉस्ट इंक्लूड करके ही कस्टमर को बताती है और फिर उनको पेमेंट करना होता है, जो डाउन पेमेंट देना होता है या फाइनेंस करवाना है या हार्ड कैश देना है, कैश भी दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, सिस्टम उनका जल्दी लग जाता है। अगर कैश नहीं करते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, तो सिस्टम लगाने में लमसम है मान के चलिए कि 1 महीना से कम नहीं लगता, ज़्यादा लग जाता है। सर, कौन कौन सी मशीनें चलाते हैं आप? पालेसर है जी, उल्लू है जी और आटा चक्की है। अच्छा, पालेसर है जो कि धान की कुटाई करता है और कोल्हू है, दो चलता है, दो साथ में चल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो पैनल लगा है, अगर आपके पास ज़मीन है, पास 50 फीट लंबा है या फिर 40 फीट चौड़ा है या फिर 50x50 का है, तो इतने जगह में आपका ये पैनल बहुत ही अच्छे से लग जाता है। बाकी थोड़े से जगह जो है आपको चक्की का सेटअप लगाने के लिए चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा मकान बनाया गया है, ऊपर जो है टीन की छत है, तो इस तरह से जो है आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और एग्जैक्ट अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं सर से बात कर लेता हूँ। सर, कितनी जगह की जरूरत होगी? सर, इसमें मात्र 1100
25 स्क्वायर फीट की जरूरत है पैनल लगाने के लिए। पैनल लगाने के लिए हम ये सिस्टम आपका पैनल लगा के कंप्लीट कर देंगे। इसमें है 45x25 का अगर आपका जगह है जी, तो आपका सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट लग जाएगा। तो इतने जगह की एग्जैक्ट जरूरत पड़ेगी दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है तो और बेटर है आपके लिए, अच्छा है, क्योंकि आप अंदर जाके जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है तो इसकी साफ सफाई भी आसानी से जो है हो जाती है। जी सर नमस्कार, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डीजल से चक्की चलाने पे हमारा कितना खर्चा होता है। तो अगर हम 7 से 8 घंटे की चलाते हैं तो इसमें हमारा 10 लीटर का लमसम डीजल खर्चा हो ही जाता है। तो 10 लीटर डीजल का खर्चा मान के चलिए 950 रुपये, मंथली का अगर एवरेज ले लिया जाए तो 28,000 रुपये आपका बैठ जाता है खर्चा। 2,500 रुपये आपका सर्विस चार्ज, लमसम 30,000 से 31,000 रुपये आपका टोटल खर्चा ये हमारा बैठता है डीजल से चलाने के लिए। अब हम आ जाते हैं इसके सोलर आटा चक्की पे प्रॉफिट पे, कि इसकी प्रॉफिट क्या होती है। अगर 8 से 10 घंटे आपकी मशीन चलती है तो नॉर्मल आप 500 किलो गेहूं आप चला लेंगे, 500 किलो गेहूं की पिसाई हो जाएगी और 10 से 12 कुंटल आप धान कुटाई कर सकते हैं नॉर्मल, कम से कम इतना हर चक्की वाले कर ही लेते हैं। तो इसमें जो आपकी कमाई होगी, 500 किलो अगर आप गेहूं पीसेंगे तो आपका हो जाएगा 1,250 रुपये आपकी इसकी पिसाई होगी, और इसमें अगर आप 10 कुंटल गेहूं धान निकालते हैं, 10 क्विंटल धान निकालेंगे तो इसमें मान के चलिए 60 किलो चावल जो कस्टमर लेके चला जाता है उसकी हम फ्री पिसाई करते हैं, 20 किलो हमें ब्रांड मिल जाता है और 20 किलो भूसी मिल जाती है जी। 20 किलो ब्रांड का कीमत हो जाता है 3600 रुपये और 20 किलो भूसी का कीमत हो जाता है 1200 रुपये, हमने मिनिमम रेट जोड़ा है, ये टोटल हो जाता है 4800 रुपये प्लस 1250 रुपये हमारा गेहूं की पिसाई, ये जोड़ के हमारा होता है 6050 रुपये जी। अब हम कस्टमर के ऊपर ये करते हैं, हम अपने भाइयों से ये भी बताना चाहते हैं कि अगर हम इसका आधा ही करते हैं, 250 किलो गेहूं पीसते हैं और 5 क्विंटल धान निकालते हैं तो हमारी कमाई कम से कम 3000 रुपये हमारी बचत आती है डेली, कोई खर्चा नहीं इसमें। जो आपको EMI देनी है या आपका कास्ट निकलना है वो आपके डीजल खर्चे से पूरा हो जाता है, प्रॉफिट आपकी सेफ की सेफ है और इतनी अधिक प्रॉफिट हो रही है। सर अब इस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, मोटर अलग से लेना पड़ता है, क्या क्या चीजें अलग से लेनी पड़ती है और इसमें क्या ऐड होता है जब ये प्लांट लगवाता है कोई? सर इसमें ये चीज, अगर कोई प्लांट लगवाता है जी, तो इसमें मोटर जो होता है अगर कस्टमर कहता है तो हम ही मंगवा के दे देते हैं उसको, लेकिन हम प्लांट में ये ऐड नहीं होता जी, उसको अलग से लेना पड़ता है। 10 HP का लेना है उसको, 15 HP का लेना है, कितने बड़ा प्लांट वो लगा रहा है उस हिसाब से उसकी अलग अलग चॉइस होती है, उस हिसाब से वो मोटर अपना अलग से खरीद सकता है। अब हम प्लांट पे आ जाते हैं, अगर हम 10 KVA का 15 KVA का प्लांट लगाते हैं 10 HP मोटर चलाने के लिए जी, तो इसमें हम 540 वाट के पैनल यूज करते हैं, 28 पैनल लगाते हैं। कस्टमर का अगर सही रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस कराता है, तो हमारे ऊपर कंपनी का दबाव होता है कि हम बेटर से बेटर सिस्टम लगा करके दें, क्योंकि अगर सिस्टम चलेगा नहीं, कस्टमर कमाएगा नहीं, तो वो EMI दे नहीं पाएगा। तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है बैंक का कि हम उसको अच्छे से अच्छे सिस्टम लगा के दें, अच्छे से अच्छे सिस्टम मैं उसको लगा के दो चलाऊं। तो इसलिए हम लोग सबसे बेटर क्वालिटी का पैनल, 540 वाट का पैनल, मोनो हाफ कट फेशियल पैनल लगाते हैं। BFD हम उस पर लगाते हैं 20 KVA का, कि अगर बाई चांस अगर उसका सिस्टम स्लो चल रहा है या कोई इशू आ रही है उसको लोड लेने में कम दिक्कत, तो उसमें पैनल हम और लगा देते हैं, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो चलाने में, तो उसकी पूरी तरीके से ये सिस्टम चलता है। सर अब बात कर लेते हैं इस पे कितनी मशीनें चल सकती हैं। सर अगर हम 10 HP का मोटर चलाते हैं जी, तो 10 HP पे 18 इंची की चक्की, जो पिसाई वाली मशीन होती है, 18 इंची की पिसाई वाली मशीन चली जाएगी और 24 पट्टी का पोलो धार पेरने वाली, दोनों एक साथ हम चला करके देते हैं फुल लोड, वो इतना भी लोड डाल के अपना हिसाब से वो चला सकते हैं। अगर वो स्पेलर बंद कर सकते हैं तो पालेसर की दोनों मशीनें और पिसाई वाली चक्की ये एक साथ चल जाएगी।
10 HP के मोटर पे ये पूरी तरीके से चलता है। सर अब फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से फाइनेंस होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं? सर फाइनेंस इजी प्रोसेस है फाइनेंस का भी, क्योंकि हम लोगों का डीलरशिप होता है, हम लोग फाइनेंस बहुत इजीली करवा देते हैं। कस्टमर को कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी सिविल बेटर होनी चाहिए, 6 मंथ का स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, और जहाँ पे चक्की आपकी लगी होगी उसका रजिस्ट्रेशन पेपर, ये इतनी सारी चीज़ें हमें दे देंगे तो हम उनका फाइनेंस करवा देंगे। कितने दिन में प्रोसेस होता है सर? सर फाइनेंस का प्रोसेस मान के चलिए कि 15 से 20 दिन का फाइनेंस प्रोसेस हो जाता है। और सिस्टम कितने दिन में लग के तैयार हो जाता है सर? सर जिस दिन आप डाउन पेमेंट दे देते हैं उसी दिन से हम बैंक का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, जैसे बैंक से अप्रूवल हमें मिल जाएगा हम आपका सिस्टम लगा के कंप्लीट कर देंगे। जब हम आपका सिस्टम लगा के कंप्लीट कर देंगे, आप कंफर्टेबल हो गए, आप बताएंगे कि हाँ मैं पूरी तरीके से हमारा सिस्टम चल रहा है, तभी बैंक हमें पैसा पे करेगा, नहीं तो बैंक हमें पैसा पे नहीं करता है, वहीं पे रोक देता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस के लिंक है और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे अच्छे वीडियो देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।